नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ, आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश, टेक ऑफ करते समय हुआ हादसा, 19 में से 18 लोगों की मौत। आपको बता दें, पायलट सुरक्षित बचा, इलाज जारी। मेक्सिको में शराब के कारखाने में विस्फोट, आग लगने से 5 श्रमिकों की मौत। मेक्सिको के जालिस्को राज्य में एक शराब के कारखाने में मंगलवार को विस्फोट होने और आग लगने से कम 5 श्रमिकों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल। माँ और पति ने स्कूटी चलाने से रोका तो महिला मासूम बेटे सहित ट्रेन के आगे कूदी। अलवर गेट थाना प्रभारी श्याम सिंह चारण के मुताबिक, प्रियंका को सोमवार शाम को अपनी माँ और पति करण से स्कूटी चलाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने एक कदम उठाया। भारत पाक सीमा के नजदीक 2 जगहों पर ड्रोन घुसपैठ, करोड़ों के हेरोइन बरामद। पाकिस्तान द्वारा ड्रोन घुसपैठ की 2 घटनाएं सामने आई। भारत पाकिस्तान सीमा पर अनूपगढ़ के पास रावला में 2 किलोग्राम और अनूपगढ़ गांव 30 APD में 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। गंगा में डूब रहे कांवड़िया मोनू सिंह के लिए देवदूत बनकर आए आशिक अली, उपंती लहरों में कूदकर बचाई जान। हरिद्वार में मंगलवार को 21 साल का कांवड़िया मोनू सिंह गंगा की लहरों में फंस गया, जिसके बाद SDRF का जवान आशिक अली देवदूत बनकर आया और मोनू की जान बचा ली। उम्र सीमा में छूट, फिजिकल टेस्ट की भी छुट्टी। अग्निवीरों को 2 फोर्सेस में आरक्षण, राज्यसभा में बोली सरकार। सेना में अग्निवीर के तौर पर नियुक्त होने वाले युवाओं को 4 साल की सर्विसेज के बाद रिटायर कर दिया जाता है, ऐसे में सरकार इनके लिए आगे भी रोजगार के अवसर खुले रखना चाहती है। यूक्रेन की मदद की तो रूस ने जापान पर लगा दिया प्रतिबंध, दोनों देशों में तल्खी बढ़ी। रूस ने जापान के 12 हाई प्रोफाइल कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध को रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर देखा जा रहा है। माताजी बोलने में एक्सपर्ट है, निर्मला सीतारमन से बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद में लगने लगे ठहाके। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ इशारा करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि कल जो बजट पेश किया गया है वह केवल कुर्सी बचाने के लिए बनाया गया। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट का यथास्थित बनाए रखने का आदेश। किसान आंदोलन 2 के तहत दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसान संगठनों को रोकने के लिए बंद किया गया शंभू बॉर्डर, अभी नहीं खुलेगा। विधानसभा में जातीय जनगणना पर हंगामा के बीच भड़के सीएम नीतीश, किसे कहा फालतू का, चुपचाप सुनो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सदन में विपक्षी विधायकों पर जमकर बरसे, इस दौरान वो RJD की महिला विधायक पर भी भड़क उठे। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, गोली लगने से एक जवान भी घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मंगलवार रात से मुठभेड़ जारी है, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। नीट मामले में बड़ी खबर, कर्नाटक के बाद बंगाल विधानसभा में भी नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बंगाल विधानसभा ने बुधवार को नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट, छतरपुर में 59 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया। अयोध्या की ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था को किया गया अपग्रेड, हाइट से कैमरे के जरिए शुरू हुआ ई चालान। RO AR O भर्ती परीक्षा लीक मामले में 23 के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस इनकी संपत्तियों को करेगी कुर्क। यूपी सरकार ने पेपर लीक करने वाले गिरोह के 23 सदस्यों के खिलाफ यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर का केस दर्ज किया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बड़ा बयान। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन ने MSP कानून लाने का वादा किया था, इसे लाना उनकी जिम्मेदारी। संबंध भी रहेगा और गठबंधन भी रहेगा, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था और TNC के साथ भी हम चुनाव लड़े, कांग्रेस के साथ गठबंधन है और ममता बनर्जी के साथ संबंध है। संबंध भी रहेगा और गठबंधन भी रहेगा, गठबंधन के लिए संबंध नहीं छोड़ सकते। 2027 में जरूर बनेगी हमारी सरकार, बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि हमने संघर्ष किया, संघर्ष का नतीजा है कि हमें सबसे ज्यादा सीट मिली और यकीनन हमें 2027 में हमारी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी।